कंजे ए प्लस से शुरू होता है और फिर प्लस 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 करता जाता है। चौधरी साहब, मेरा नाम तैयब है और मैं अराजी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा वेलकम और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बिज़ी स्केजुअल में से टाइम निकाला और यहाँ पे आए। तो सर, पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने माशाल्लाह से अब्दुल हादी साहब का ऑफिस देखा है, सारा विज़िट आपने कर दिया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर हमें बताएँ, क्या कहते हैं इसके बारे में सर। मैं आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और अब्दुल हादी साहब तो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, और अब माशाल्लाह ना सिर्फ इस्लामाबाद रावलपिंडी बल्कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। और अब तो पाकिस्तान में जैसे हाउसिंग का एक ट्रेंड तब्दील होता जा रहा है, रियल एस्टेट का एक ट्रेंड तब्दील हो रहा है। तो मैंने जब ये ऑफिस देखा, इस तरह के ऑफिस बाहर की दुनिया में होते हैं, सिंगापुर होते हैं, दुबई होते हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, तो अब माशाल्लाह पाकिस्तान में भी एक बहुत जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ जो है हमारी जो दोस्त हैं ऑफिस बना रहे हैं। और जब हादी साहब के आप ऑफिस में आए तो ऐसे लगता है कि जहाँ पे आप एंटर हुए हैं, ये ऑफिस सबसे बड़ा खूबसूरत है। जब उसके आगे नेक्स्ट सेक्शन जाते हैं तो उससे ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये सी ग्रेड से ए प्लस की तरफ जाता है काम, लेकिन ये ए प्लस से शुरू होता है और फिर प्लस 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 करता जाता है। कुछ समझ ही नहीं आती के टॉप लेवल का जगह कौन सी है। तो मैं तो हादी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद भी देना चाहूँगा। ये रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन का जो बिज़नेस है, ये इसमें इनोवेशन लाने में और अच्छा काम करने में हादी साहब का एक अपना नाम है, मकाम है। और ख़ूबसूरत माल बनाना, ख़ूबसूरत अपार्टमेंट बनाना, ख़ूबसूरत विला बनाना, ये इनका शेवा है। तो मेरी दुआ है अल्लाह पाक इनको इनके बिज़नेस में मज़ीद तरक्की दे, इनके कारोबार में बरकत डाले। और ये एज ए एक अच्छे दोस्त कारोबारी होने के साथ साथ ये एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं और बहुत ईमानदार आदमी हैं। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, माशाल्लाह से आपका काम भी लोग एडमायर करते हैं और आपका भी एक जाना पहचाना नाम है, तो थोड़ा सा सर अगर फैसल टाउन के बारे में बताएं और फ्यूचर जो प्लानिंग है उसके हवाले से उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। तो फैसल टाउन जी देखें, एक सिटी का नाम है, एक नया शहर जो है अमर्ज हो रहा है, और उसके एक तरफ शाहरा कश्मीर है, एक तरफ मोटरवे एम1 है और एक तरफ फतेह जंग रोड है। और तरनौल इंटरचेंज से सिर्फ 100 फुट के फासले पर है। और तरनौल इंटरचेंज का मतलब यह है कि आप 2 मिनट में M1 के ऊपर जा सकते हैं, 3 मिनट में M2 पे जा सकते हैं, DI खान मोटरवे पे जा सकते हैं, हज़ारा मोटरवे पे जा सकते हैं, न्यू एयरपोर्ट पे भी जा सकते हैं। और जब शाहरा कश्मीर से इसकी एंट्री होगी तो इस्लामाबाद से इसका फासला भी 2 मिनट का रह जाएगा। GT रोड इसके साथ है। तो ये एक हाईवे जो कनेक्टिविटी है, जो सी पैक का है बेसिकली, जो इम्पॉर्टेंट रूट हैं, ये उसके ऊपर लोकेटेड है। और इसके इर्द गिर्द माशाल्लाह जो आबादी है, तो ये तो हर तरफ हाईवे के साथ और हंसते बसते और इलाकों के अंदर ये एक शहर बन रहा है। बहुत शुक्रिया सर। जैसे आपने बताया अब्दुल हादी साहब के काम के हवाले से कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, जैसे अब अगर उनका ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है एक्सिस मॉल, जो अभी इंशाल्लाह फिनिशिंग लास्ट उसमें है, फेज़ में है, और एक उनका आने वाला जो प्रोजेक्ट है जैसे आपने मॉडल देखा एमिरेट्स मॉल एंड रेजिडेंसी, तो उसके बारे में सर क्या आपने थोड़े से ख्यालात का इजहार। एमिरेट्स मॉल जी एक्सिस मॉल से भी ऊपर जाएगा, क्योंकि उसमें इन्होंने नई मॉडर्न तकनीक के साथ उसको डिज़ाइन किया और फिर माशाल्लाह ऐसी जगह पे लोकेटेड है फैसल टाउन और हादी साहब का जो प्रोजेक्ट है कि जिस स्कीम में हॉस्पिटल से लेकर एजुकेशन तक, एजुकेशन से लेकर बड़े बड़े मॉल, मॉल से लेकर कॉफ़ी शॉप तक और बेकरीज तक, बड़े बड़े सुपर स्टोर, दुनिया की हर चीज़ जो है वो फैसल टाउन में अवेलेबल है। बड़े बड़े पार्क, बड़े बड़े स्कूल, हॉस्पिटल और प्ले ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड। तो पाकिस्तान के आपको पता है इंटरनेशनल प्लेयर भी इधर मेसम क्रिकेट ग्राउंड जो फैसल टाउन ब्लॉक सी में है उसमें आते हैं। तो इस तरह माशाल्लाह ये तो एक शहर है। और हादी साहब का जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि वो मेन फतेह जंग रोड के ऊपर है और वो तो बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है, तो अल्लाह पाक मेरी दुआ है कि इनको कामयाबी करे। वो प्रोजेक्ट पहले दिन से इंशाल्लाह ताला ऑन लेकर शुरू होगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।